अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं जेके दास्तान में हूँ आपके साथ जाफर भट्टी। समय मैं ठीक म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं सारे सफाई कर्मचारी रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी डिमांड को लेकर स्टैक पे बैठे हुए हैं। आज सातवें दिन में कंटिन्यू इस समय म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर और दोनों तरफ से रोड भी ब्लॉक किया हुआ है। आप ये लाइव विजुअल देख सकते हैं और इनका क्या कहना है आप ये लाइव देख सकते हैं। किसी को आंखों का ऑपरेशन हुआ है, सफाई कर्मचारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सफाई कर्मचारी बेहोश हुआ और इसको ऑटो में लिया जा रहा है। ये आप लाइव विजुअल में देख सकते हैं। देखो, एक बंदा इनका बेहोश हुआ है, इसको ऑटो में बिठाया गया, शायद जेएमसी के लिए रेफर किया जा रहा है यहाँ से। और इनकी प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोडा में एक बड़ा हंगामा जो कि आज देखने को मिल रहा है। हम कोई जबरदस्ती कर रहे थे, हम से चला रहे थे, मगर हमें ये समझ आ रही है कि हमारे बुजुर्गों से हमारे क्यों जुल्म हो रहा है। आपने खुद देखा अंदर से, ये भी हमारा एक सफाई कर्मचारी है, तो ये बताइए अंदर क्या हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SHO साहब भी पहुँच चुका है यहाँ पे, और इसके साथ साथ तहसीलदार डोडा भी पहुँच चुका है। देखना होगा अब क्या कहना है होगा इनका। अंदर बैठे हुए थे पीसफुली, 8 दिन से अंदर बैठे हुए थे। आज इनो साहब आए कि सर्कुलर निकला है कि सफाई कर्मचारी जो निकला है, हमारे सफाई कर्मचारी है, इनका एक ऑर्डर निकला है कि इनको अंग्रेज काम नहीं करेंगे, इनको निकाल देंगे। मगर सफाई कर्मचारी अगर परमानेंट मुलाजिम काम कर रहा है, हमने इनको स्टार्टिंग बता दिया है, जब जब डोडा में हड़ताल हुई हमने बोला मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी होगा वो हमारे कर्मचारी निकला, सफाई कर्मचारी है, सिर्फ परमानेंट ये अनपढ़ है, बेचारे डरा हुए है, अंदर सिर्फ उनको धमकाया जाता है, जो हमारे ऑफिसर हैं अंदर मुंसिफ कौंसिल के डराया जाता है, उनको काम पे निकाला गया था, जबरदस्ती काम पे निकाला गया, उसमें हमारे जब उसको एक हमारे सफाई कर्मचारी को ऑर्डर थमाया, सस्पेंड ऑर्डर थमाया, उसको चक्कर आके उसको मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभी मसा पहुँचा दिया है हमने। हाँ, ये कौन सी नाइंसाफी है? सफाई कर्मचारी अगर इन्हें वक्त वक्त सफाई कर्मचारी को 7 साल के बाद रुकलाइज किया होता तो ये नौबत नहीं आती। ये डोडा शहर, हालांकि ये डोडा की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में हड़ताल है, मगर मुझे ये नहीं लग रहा है कि जब तब जिस वक्त भी हड़ताल करें जम्मू कश्मीर में, तो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को इतने कौन सा इतने पार लगे होंगे या सितार चढ़ जाएंगे कि इनको बोलेंगे नहीं जी आपने ये काम किया है। ये जम्मू कश्मीर में इस वक्त हड़ताल उठाए ना, अगर इस वक्त खतरे चलाने में 7 कम्युनिटी में हड़ताल उठाए ना डोडे के, मगर सफाई कर्मचारी के, मगर क्यों? हम क्या मांग रहे हैं इनसे? दो वक्त का खाना पेट भर के, अपने बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए कि 9300 में क्या बनता है? आप ही बताओ, आप ऑफिसर हो, आप तहसीलदार साहब हो, आप बताओ 9300 में आपका अगर आपके पास हो गए आप क्या करोगे 9003 में? हाँ, तो 9003 में तो राशन नहीं है, चावल नहीं आता, आटा नहीं आता है। अगर इनको 2,00,000 1,50,000 तनख्वाह है,
ये इस वक्त बोलते हैं कि नहीं हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। वो अगर जिसको 1 लाख रुपये इस वक्त तनख्वाह होगा उसको 30 साल अभी सर्विस होगी वो तो 4 लाख रुपये तनख्वाह लेगा। जब वो रिटायर होगा उस वक्त वो 5 लाख रुपये पेंशन ले लेगा। हमारे पास क्या है 9,300 तनख्वाह है। अगले साल रिटायर हो जाएंगे क्या हो जाएगा? पीछे से लात मारेंगे बोलेंगे घर बैठ जाओ। हमने ना हम इस वक्त मजदूरी के काबिल बनी है। आपने भी परसों बता दिया इतनी बात बोलने की कि अगर नहीं हो सकता है छोड़ दो। हम छोड़ने के लिए थोड़ी आए, हम अपना हक मांग रहे हैं। संविधान में लिखा है कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है अपना हक मत छोड़ो, अपना हक लेके रखो। अगर पीसफुली अंदर कर रहे थे टार्चर क्यों कर रहा है हमारा डोडा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे को टार्चर क्यों कर रहा है? मैं ईओ साहब से बात करता हूँ अभी, आप भी चलो मेरे साथ ईओ साहब से बात। हम ईओ साहब के पास क्या जाना है? ये खुद 20-20 दिन के बाद है डिपार्टमेंट आते सफाई कर्मचारी का कोई हाल नहीं। देखो ईओ साहब को 4 जगह चार्ज दिया हुआ है, ये क्या करेंगे संभालेंगे या बाकी जगह संभालेंगे? चलो देखो आप मेरी बात, ये छोटी बात है हमारी वर्दी की बात थी, छोटी बात है साबुन की बात है, जो ये छोटी बात है वो हम तक नहीं पहुंचता। जो बात ऊपर से फंड आके डायरेक्टर खुद बता दिया करेगा बोलेगा वर्दी के फंड आती है साबुन की साफ हर चीज, मगर ये डोड़ा को संभाले दबा के रखते हैं। क्यों दबा के रखते हैं? गर्मियों की वर्दी अभी सर्दी अपने बोर्ड में भी है, हमें इनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है इस वक्त। अगर ये 30 साल भी नौकरी करेंगे कुछ नहीं 10 लाख ये तनख्वाह ले लेंगे। जब ये रिटायर हो जाएंगे 5 लाख इनके पेंशन होगी। हम तो 93 से भी मार रहे हैं 9,000 पेंशन स्कीम बंद करवाई और सुबह नहीं जी पेंशन स्कीम मेरी बंद होगी। आप इस वक्त 1 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हो, अभी 30 साल आपकी सर्विस है, आप तो लगभग 30 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हो ले जाओगे। चलो ठीक है आप अंदर चलो, 9,300 में हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाता है। अंदर चलो मैं ईओ साहब से भी बात करता हूँ, आपसे बात। हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में है, हम पहले देखेंगे उसकी कंडीशन क्या है, उसके बाद अंदर। उससे पहले नहीं जाए, आप मारो कुछ भी करो अंदर नहीं जाए। मेरी बात सुनो, पीसफुल प्रोटेस्ट उसको उसको हम ध्यान रख रहे हैं। हमें जब उसको सस्पेंड ऑर्डर थमाया है तो वो पेशेंट बन गया। हम आपसे यही अर्ज कर सकते हैं कि आप ऑफिसर हो, अल्लाह ने आपको इन चीज़ों से नवाजा है, मगर आप इस चीज़ को मानते हो कि हमारे परमिशन को काम नहीं किया जाएगा? अगर वो कुछ लंगड़े हैं कुछ लोले हैं भाई कितना करेंगे? आप गधे और घोड़ों में फ़र्क नहीं समझते? वो गधे हैं अभी भाई जवान, अभी हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो बूढ़े क्या करेंगे हमारे? उनको ऑर्डर थमाया जाता है कि आपको मैं सबमिट कर देंगे। ये बात हम देखेंगे, एक बंदे को हमारे हार्ट अटैक हो, ये बात हम देखेंगे। जी जी डॉक्टर साहब तक पे मैं बात जाएंगे, ऐसा भी बोल रहे हैं परमानेंट ब्लॉक है। मेरी बात सुनो, परमानेंट ब्लॉक पे भी कोई जोर नहीं कर रहा कि अभी आप अंदर चलो, पीछे चुनाव एम्बुलेंस से मेरी बात कहीं भी नहीं है। हम उठेंगे इतना टारगेट, पीछे एम्बुलेंस है, देखो सर हम उठेंगे, जरूरतमंद लोग हैं, आप चलें हम बुगरी बात सर हम आपके कहने से आ जाओ। ये आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं, तहसीलदार साहब ने इनके साथ बात की और इनको रोड से उठाया और बोला कि अंदर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो और रोड को ओपन करो। मैं इस ईओ साहब से बात करता हूँ, अब देखना होगा क्या कुछ बात होगी। तब तक आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए आप रेजे के दस्तान। तो हम अगर हम सर झुकाना जानते हैं तो सर उठाना भी जानते हैं।